हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपको हमारे राजस्थान अजमेर में अधिकतर कौन कौन से वनस्पति या पेड़ पौधे अधिक रहते हैं उनके बारे में बताएंगे। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर ये जो विदेशी बबूल है, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल गए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे यही वनस्पति ज्यादा पेड़ पौधे यही है। ये देखिए, जहाँ भी आप देखेंगे आपको ये विदेशी बबूल ही दिखेंगे। इस विदेशी बबूल के होने से जो हमारे पुराने जो पेड़ पौधे थे वो सब नष्ट हो चुके हैं। इस विदेशी बबूल का उपयोग सिर्फ लकड़ी जलाने में और बाड़ करने में ही हम लोग कर सकते हैं, बाकी इसका कोई उपयोग नहीं है। जहाँ तक आप देखेंगे बस आपको ये विदेशी बबूल ही दिखेंगे। नीम आपको इक्की दुक्की ही दिखेंगे आपको। देखिए, आगे दिख रहे नीम जैसे लगा रखे जिन्होंने, कैसे ये सिर्फ विदेशी बबूल हो रखे हैं आपको। ये हमारा नितिन है, ये आपको हाई कर रहा है। अधिकतर खेतों को लोगों ने बेच दिया है, तो देखिए अधिकतर यहाँ पर प्लॉटिंग का कार्य हो रखा है, यानी 50% लोगों ने अपने खेत जमीन यहाँ पर बेच दी और सब ने प्लॉटिंग हो चुकी है। देखिए, उधर भी निर्माण कार्य चल रहा है, उधर दुकानें बन रखी हैं। देखिए, जो करके दिखाते हैं, ये देखिए दुकानें बन चुकी हैं। पूरा गाँव का 50% लोगों ने बस इक्की दुक्की नहीं, कहीं कहीं आपको दिख जाएंगे। जहाँ तक आप देखेंगे आपको बबूल ही बबूल दिखेंगे। बबूल के पेड़, जो बबूल का पेड़ है, बहुत जहरीला पेड़ होता है, ये दूसरे पेड़ों को नष्ट कर देता है। ये हमारे इधर से गायें चलती हुई आ रही है, शाम को भी शाम के 5 बज चुके हैं और ये गायें आ रही है, वापस घर को जा रही है। ये देखिए, इधर भी बबूल का पेड़, इसको जितना काटते हैं इतना ज़्यादा फैलता रहता है ये पेड़। और जहाँ तक देखेंगे आपको ये विदेशी बबूल के पेड़ ही दिखेंगे। ये देखिए फिर प्लॉट, जहाँ तक देखेंगे आपको प्लॉट ही प्लॉट होते दिखेंगे। इक्की दुक्की खेत किसी ने बचा रखे हैं, जो बो रखे हैं गेहूँ। देखिए, लोगों ने और दुकानें बना दी प्लॉट काट के। ये देखिए हमारा नितिन, ये देखिए गेहूं बो रखे हैं लोगों ने, सोर प्लांट लग रहा है। ये देखिए और विदेशी लोग, ये सब लोगों ने काटे स्टोर कर रखे जला। ये देखिए और पेड़ बबूल ही बबूल, इधर देखिए वो लोगों ने काटे स्टोर कर रखे, ये बबूल के काटे जलाने के लिए। देखिए ये हमारे